मुर्गी चोर। कमलानगर में एक दुकानदार रतन रहता था। वो अपनी माँ के साथ बहुत बड़े घर में रहता था। उसके पास बहुत सी मुर्गियाँ थी। रतन रात को उन्हें टोकरी के नीचे रख देता और सुबह बाहर निकाल देता था। आओ मुर्गियों, आओ, सब सो जाओ, आओ आओ। रतन ने रोज की तरह रात को मुर्गियों को टोकरी के नीचे रख दिया और सोने चला गया। नामवर सिंह दूर से यह सब देख रहा था। अच्छा, तो रतन अपनी मुर्गियों को रात को यहाँ छोड़ के जाता है। क्यों ना आज बिरयानी खाई जाए। नामवर सिंह ने टोकरी के नीचे से एक मुर्गी चुरा ली। अगले दिन रतन ने मुर्गियों को टोकरी से बाहर निकाला और परेशान हो गया। अरे मुर्गियों में एक मुर्गी कम क्यों है? रात में तो मैंने गिनकर ही रखी थी, फिर एक मुर्गी कम कैसे हो गई? तभी रतन का एक दोस्त धनिया उससे मिलने आया। धनिया बोला, क्या बात है दोस्त, तुम इतना उदास क्यों हो? रतन ने उसे सारी बातें बताई। बोला, धनिया अगर आज रात भी ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं? धनिया बोला, तुम एक काम करो। और धनिया ने चुपचाप रतन को एक योजना बताई। रतन बोला, ठीक है। धनिया की बात मान रतन ने उस रात अपना कुत्ता टोनी टोकरी के नीचे रख दिया। रात होते ही फिर से नामवर सिंह मुर्गी चुराने वहाँ आ पहुँचा। आज भी मुर्गियाँ टोकरी के अंदर हैं। आज तो मैं चिकन बनाऊंगा। जैसे ही नामवर सिंह ने टोकरी में हाथ डाला, टोनी ने उसे काट लिया। अरे अरे, ये कुत्ता कहाँ से आया? अरे कोई मुझे बचाओ, इसने मुझे काट लिया है। नामवर सिंह चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर रतन बाहर आया और बोला, चोरी करने आए हो, अब करो चोरी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चोरी करना बुरी बात है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? लालची पुलिस वाला और दबंग पुलिस वाला। करतारपुर नामक एक गांव में सत्यजीत सिंह नाम का एक पुलिस वाला था, जो बड़ा ही लालची और कठोर था। गांव वाले उससे बहुत डरते थे, क्योंकि वो हमेशा अपनी वर्दी का रौब दिखाकर धमकाया करता था। एक बार लालची पुलिस वाला एक ठेले पर गया और बोला, क्यों भाई गोटिया, पिछले दो महीने का हफ्ता नहीं भेजा तूने? गोटिया बोला, नहीं नहीं साहिब, ऐसी बात नहीं है, मेरी बिटिया की तबीयत बहुत खराब है, बस उसी के इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। पुलिस वाला बोला, तेरी बिटिया की तबीयत खराब है, इसमें मैं क्या करूं? देख गोटिया, आज शाम तक हफ्ता नहीं भेजा तो तेरे ठेले की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। गोटिया गिड़गिड़ाता रहा। ऐसा ना बोलो माई बाप, हुजूर हुजूर सुनिए तो। मगर सत्यजीत सिंह ने उसकी एक ना सुनी और वहाँ से चला गया। बेचारा गोटिया उदास होकर अस्पताल की ओर चल पड़ता है। अस्पताल में गोटिया की बीवी उसे परेशान देखकर पूछती है, अजी क्या हुआ, परेशान क्यों हो? गोटिया उसे सारी बात बताता है। उसकी बीवी उसे अपने गहने उतार कर देती है और कहती है, ये लीजिए और अपना ठेला बचा लीजिए। गोटिया कहता है, सुनीता लेकिन ये ठीक नहीं। फिर सुनीता उसे समझाती है कि ठेले का बचना कितना जरूरी है। गोटिया सुनीता की बात सुन गहने गिरवी रख देता है और जो पैसे मिलते हैं वो सत्यजीत सिंह लालची पुलिस वाले को दे देता है। लालची पुलिस वाला कहता है, आया ना उठ पहाड़ के नीचे, आज से हफ्ता ठीक टाइम पर दे देना। इस तरह सत्यजीत सिंह सभी दुकान वाले ठेले वालों से रुपए लूटता था। उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अब तो वो लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूल करता था। एक दिन उसे एक ट्रक आता दिखाई दिया। उसने ट्रक रुकवा कर उसके ड्राइवर को बोला, जरा बाहर आओ। ड्राइवर बोला, जी साहब जी, मेरे पास सब कागज हैं, चलान भी भरा हुआ है। पर लालची सत्यजीत सिंह बोला, वो सब तो ठीक है पर पैसा तो देना ही पड़ेगा। ड्राइवर बोला, पैसा, किस बात का पैसा? लालची पुलिस वाला बोला, किस बात का पैसा, अभी बताता हूँ। तू गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और शराब पीकर चला रहा था। ड्राइवर बोला, अरे नहीं साहब, ये आप क्या बोल रहे हो, क्यों झूठ मूठ की बातें बोल रहे हो और मुझ गरीब पर इल्जाम लगा रहे हो, मैं एक गरीब आदमी हूँ साहब। सत्यजीत सिंह बोला, अच्छा गरीब,
गरीब के पास कोई खुद का ट्रक हो सकता है? चल चल पैसे निकाल, वरना शराब पीकर तेज गाड़ी चलाने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। ड्राइवर बोला, नहीं हुजूर, ऐसे मत कीजिए, अभी देता हूँ। फिर ड्राइवर लालची पुलिस वाले को 200 रुपए देता है। लालची सत्यजीत सिंह बोलता है, ये क्या भिखारी समझा है, 1000 रुपए निकाल। ड्राइवर बोला, 1000 रुपए अभी देता हूँ, ये देखो सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह। और वो अपना आई कार्ड निकाल कर दिखाता है और कहता है, तुम्हारी कंप्लेंट आई थी हमारे पास, लोगों को इस तरह डरा धमका कर पैसे लेते हो। लालची पुलिस वाला डर गया, नहीं नहीं नहीं, जी 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 साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, अब ऐसा नहीं करूँगा साहब। पर दबंग अजीत सिंह कहता है, तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए, तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है, इसके बाद तुम अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर सकते हो। सत्यजीत सिंह को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो परेशान होकर टेंशन में बाइक चलाता हुआ जा रहा था, तभी उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बाइक से गिर जाता है। कुछ घंटों बाद सत्यजीत सिंह को होश आया और वह अपने आप को अस्पताल में देखता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, अब आप खतरे से बाहर हैं। सत्यजीत सिंह डॉक्टर को कहता है, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। डॉक्टर कहता है, धन्यवाद मेरा नहीं, इस गोटिया का करो, जो तुम्हें सही समय पर अस्पताल ले आया और अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई। सत्यजीत सिंह कहता है, अरे गोटिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा गोटिया। गोटिया कहता है, अरे साहब, बुरे वक्त में इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना। सत्यजीत सिंह कहता है, मुझे माफ कर दो गोटिया। आखिरकार सत्यजीत सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन से उसने ईमानदारी से काम करने की कसम खाई और गोटिया को उसके पैसे भी वापस कर दिए। तो देखा दोस्तों, सत्यजीत सिंह को कैसे सीख मिली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, लालची पुलिस वाला और दबंग पुलिस वाला? करतारपुर नामक एक गांव में सत्यजीत सिंह नाम का एक पुलिस वाला था, जो बड़ा ही लालची और कठोर था। गांव वाले उससे बहुत डरते थे, क्योंकि वो हमेशा अपनी वर्दी का रौब दिखाकर धमकाया करता था। एक बार लालची पुलिस वाला एक ठेले पर गया और बोला, क्यों भाई गोटिया, पिछले 2 महीने का हफ्ता नहीं भेजा तूने? गोटिया बोला, नहीं नहीं साहिब, ऐसी बात नहीं है, मेरी बिटिया की तबीयत बहुत खराब है, बस उसी के इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। पुलिस वाला बोला, तेरी बिटिया की तबीयत खराब है, इसमें मैं क्या करूं? देख गोटिया, आज शाम तक हफ्ता नहीं भेजा तो तेरे ठेले की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। गोटिया गिड़गिड़ाता रहा, ऐसा ना बोलो माई बाप, हुजूर हुजूर सुनिए तो। मगर सत्यजीत सिंह ने उसकी एक ना सुनी और वहाँ से चला गया। बेचारा गोटिया उदास होकर अस्पताल की ओर चल पड़ता है। अस्पताल में गोटिया की बीवी उसे परेशान देखकर पूछती है, अजी क्या हुआ, परेशान क्यों हो? गोटिया उसे सारी बात बताता है। उसकी बीवी उसे अपने गहने उतार कर देती है और कहती है, ये लीजिए और अपना ठेला बचा लीजिए। गोटिया कहता है, सुनीता लेकिन ये ठीक नहीं। फिर सुनीता उसे समझाती है कि ठेले का बचना कितना जरूरी है। गोटिया सुनीता की बात सुन गहने गिरवी रख देता है और जो पैसे मिलते हैं वो सत्यजीत सिंह लालची पुलिस वाले को दे देता है। लालची पुलिस वाला कहता है, आया ना उठ पहाड़ के नीचे, आज से हफ्ता ठीक टाइम पर दे देना। इस तरह सत्यजीत सिंह सभी दुकान वाले ठेले वालों से रुपए लूटता था। उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अब तो वो लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूल करता था। एक दिन उसे एक ट्रक आता दिखाई दिया। उसने ट्रक रुकवा कर उसके ड्राइवर को बोला, जरा बाहर आओ। ड्राइवर बोला, जी साहब जी, मेरे पास सब कागज हैं, चलान भी भरा हुआ है। पर लालची सत्यजीत सिंह बोला, वो सब तो ठीक है, पर पैसा तो देना ही पड़ेगा। ड्राइवर बोला, पैसा, किस बात का पैसा? लालची पुलिस वाला बोला, किस बात का पैसा, अभी बताता हूँ। तू गाड़ी बहुत तेज चला रहा था
और शराब पीकर चला रहा था। ड्राइवर बोला, अरे नहीं साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? क्यों झूठ मूठ की बातें बोल रहे हो और मुझ गरीब पर इल्जाम लगा रहे हो? मैं एक गरीब आदमी हूँ साहब। सत्यजीत सिंह बोला, अच्छा गरीब, गरीब के पास कोई खुद का ट्रक हो सकता है? चल चल पैसे निकाल, वरना शराब पीकर तेज गाड़ी चलाने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। ड्राइवर बोला, नहीं हुजूर, ऐसे मत कीजिए, अभी देता हूँ। फिर ड्राइवर लालची पुलिस वाले को 200 रुपए देता है। लालची सत्यजीत सिंह बोलता है, ये क्या भिखारी समझा है? 1000 रुपए निकाल। ड्राइवर बोला, 1000 रुपए अभी देता हूँ, ये देखो सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह। और वो अपना आई कार्ड निकाल कर दिखाता है और कहता है, तुम्हारी कंप्लेंट आई थी हमारे पास, लोगों को इस तरह डरा धमका कर पैसे लेते हो। लालची पुलिस वाला डर गया, नहीं नहीं नहीं, जी 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 साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, अब ऐसा नहीं करूँगा साहब। पर दबंग अजीत सिंह कहता है, तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए, तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है, इसके बाद तुम अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर सकते हो। सत्यजीत सिंह को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो परेशान होकर टेंशन में बाइक चलाता हुआ जा रहा था, तभी उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बाइक से गिर जाता है। कुछ घंटों बाद सत्यजीत सिंह को होश आया और वह अपने आप को अस्पताल में देखता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, अब आप खतरे से बाहर हैं। सत्यजीत सिंह डॉक्टर को कहता है, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। डॉक्टर कहता है, धन्यवाद मेरा नहीं, इस गोटिया का करो, जो तुम्हें सही समय पर अस्पताल ले आया और अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई। सत्यजीत सिंह कहता है, अरे गोटिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा गोटिया। गोटिया कहता है, अरे साहब, बुरे वक्त में इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना। सत्यजीत सिंह कहता है, मुझे माफ कर दो गोटिया। आखिरकार सत्यजीत सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन से उसने ईमानदारी से काम करने की कसम खाई और गोटिया को उसके पैसे भी वापस कर दिए। तो देखा दोस्तों, सत्यजीत सिंह को कैसे सीख मिली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें।